Hey, what's up, you guys? आज हम प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं जो कि सेट वेट मैट वाली जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, तो आज हम उसका आंसर देने वाले हैं। Let's go, boys! पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, मतलब आपकी स्क्रीन पर भी है, इज इट हार्ड मीन्स दैट व्हेन वी टच इट देन इट इज हार्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से ही हार्ड होती, पता है, स्टिफ होती है, हार्ड नहीं होती। कैन आई यूज इट फॉर लॉन्ग हेयर विद कर्ल्स? यूज कर सकते हो, बट ये मत समझना कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। दूसरी बात, इससे लंबे बालों में ज्यादा होल्ड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज फेयर, बट ज्यादा भी क्वांटिटी मत यूज कर लेना, ओवर यूज बिल्कुल भी मत करना। हेयर कलर चेंज आफ्टर यूजेज, सुना है कि कलर चेंज हो जाते हैं बालों के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसपेरेंट वैक्स है, इसमें कलर चेंज नहीं होते, एक दूसरी वैक्स होती है उसमें आपके कलर, मतलब कि बालों का कलर चेंज होता है। डज इट कंटेन अल्कोहल? जी, ओके। कैन आई यूज दिस प्रोडक्ट इन ऑयली हेयर? नहीं, ऑयली हेयर में तुम यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा, तुमने लगाई बट देयर इज नो होल्ड, कोई होल्ड ही नहीं मिलेगा तुम्हें, तो फिर फायदा ही नहीं होगा वैक्स लगाने का। तो इट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स? जी हाँ, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स। कैन आई रीस्टाइल माय हेयर इफ आई यूज हेलमेट फॉर लॉन्ग टाइम व्हाइल राइडिंग? जी हाँ, आप इसको रीस्टाइल कर सकते हो अपने बालों को, थोड़ा सा अपने हाथों को गीला कर लेना, उसके बाद आप स्टाइल कर सकते हो जैसे भी आपको करना है, so it's restylable. Can we use it after expire? मेरे हिसाब से तो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि बेसिक सी बात है, एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर केमिकल यूज किए, उनकी लाइफ टाइम होगा, लाइफ स्पैन होगा कुछ, तो एक्सपायरी होने के बाद इसको यूज मत करना मेरे हिसाब से। इज इट गुड फॉर लॉन्ग और मीडियम लॉन्ग हेयर? लंबे वालों के लिए रेकमेंडेड इतनी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इतना होल्ड नहीं मिलेगा, फिर वही बात, अगर आपको होल्ड चाहिए लंबे वालों में तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज नॉट रेकमेंडेड। मीडियम वालों के लिए गुड है, शॉर्ट और मीडियम दोनों जो हेयर लेंथ है उसके लिए बेस्ट है, लॉन्ग हेयर के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। डज माई वेरी कर्ली हेयर बिकम स्ट्रेट? बिल्कुल भी नहीं, आपके बाल स्ट्रेट नहीं होने वाले हैं, बट आपको टेक्सचर जरूर मिल जाएगा। और हाँ, मैं बता पहले बता देता हूँ कि इस टाइम में मेरे पास ये वैक्स नहीं है, बट मैंने इसे यूज करा हुआ, तो उसके बेसिस पर ये मैं सभी आंसर्स दे रहा हूँ। इट इज ऑयली एंड वॉटरी? या, ऑयली और वॉटरी है। दिस विल गिव वॉल्यूम टू द हेयर? वाई नॉट, भाई वैक्स इसलिए बनी है, बहुत अच्छी, इसके अंदर काफी एक अच्छा होल्ड मिल जाता है बालों के अंदर, तो वॉल्यूम तो डेफिनेटली, देखो वॉल्यूम तुम्हें जब मिलेगा कि किस तरीके से तुमने अपने बालों को सुखाया है, अगर आपने ब्लो ड्रायर से अपने बालों को सुखाया तो कैसे सुखाया है, इट डिपेंड्स ऑन द मेथड टू, तो वॉल्यूम मिल जाता है, बट इसका मेन पर्पस है कि आपको एक टेक्सचर और होल्ड प्रोवाइड करना। हाउ लॉन्ग विल द वैक्स लास्ट? पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी यूज करी है, बट एक कॉइन साइज क्वांटिटी अगर आपने यूज करी है तो आराम से अराउंड 4 आवर के आसपास आपको अच्छा खासा होल्ड मिल जाएगा। हाउ कैन वी यूज इट? बहुत आसान है, आसान सा तरीका बता देता हूँ, एक बेसिक तरीका होता है बट एक मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ जिससे आपके बालों में थोड़ा सा डैमेज भी कम होगा। तो आप नहा के आए हो, उसके बाद आपके बाल सूख चुके हैं, बट आपको ब्लो ड्रायर से सुखाने हैं बाल, मतलब अगर आप ब्लो ड्रायर नहीं हो तो आप सिंपली अपने बालों के सूखने का वेट कर सकते हो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। देन आपको क्या, थोड़ा सा, मतलब 2 से 3 बूंद, मैं अपने बालों के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके हिसाब, मेरे बालों की जो लेंथ है इसके हिसाब से बताऊँ तो अबाउट 2 to 3 drops आपको ऑयल लेना, कोई भी जो आप यूज करते हो नेचुरल, उसके बाद अपने बालों में लगाना, उसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना है। इससे क्या होगा, जो हीट पेनिट्रेशन होगा बालों में वो कम होगा, तो आपके बाल डैमेज कम होंगे, उसके बाद आप वैक्स यूज कर लीजिए। और एक ध्यान रखना कि जब आपके बाल कंप्लीटली ड्राई हों तभी आप इसको यूज करना, नहीं तो मतलब नहीं बनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन इट इज सेफ? इट डिपेंड्स, ये सेफ है भी और नहीं भी। सेफ इस हिसाब से है क्योंकि अगर आप इसको डेली यूज नहीं करते हो, ओकेजन पे यूज कर सकते हो, हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो, देन इट इज गुड, इट इज सेफ। अगर हम डेली यूज करते हो तो नॉट रिकमेंडेड, नॉट गुड। और बता देते, ये डेली यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि ऐसा
वैसा इसलिए है क्योंकि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, बट आपको अपने इसको अपने बालों से उतारना भी है सोने से पहले, तो उसके लिए आपको शैम्पू लगाना पड़ेगा। बिना शैम्पू के ये नहीं उतरने वाली, तो शैम्पू आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप डेली शैम्पू यूज़ करोगे तो बाल खत्म है तुम्हारे। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो मेरे से, इंस्टाग्राम पे DM में आ सकते हो या फिर कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और किसी प्रोडक्ट पे अगर आपको चाहिए कि भाई इसके क्वेश्चन आंसर लेके आओ, देन हम वो भी कर देंगे। जस्ट बता देना हमें किस टॉपिक पर उठिए। यस्टरडे बॉयज, सी यू नेक्स्ट टाइम।